जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ हो चुका है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ की सवारी करने निकलते हैं और इस यात्रा को दुनिया भर में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ का 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे। ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा। यहाँ पे जैसा क्राउड देखा था टीवी पे, वो यहाँ पर लिटरली है ऐसा, बहुत ज्यादा क्राउड ही है एंड एंजॉयफुल है। सामने से आई थिंक हमें मतलब ऐसे वो नहीं होगी, नहीं फेस कर पा रहे, बट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड सीरियसली मतलब लाइक अनएक्सेप्टेबल है कि कैसा हमने फेस कर रहे हैं, लाइक हम आगे से कैसा वो कर रहे थे और यहाँ से, बट अच्छा लग रहा है। जैसे हमने मोस्टली टीवी पे देखा है उससे ज्यादा यहाँ आके अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम घूम रहे हैं और काफी अच्छा है एक्सपीरियंस। जैसे हमने सुना है कि वो लाइक आते हैं वो सीरियसली लाइक लिविंग जैसे बिहेव करते हैं उनका, जैसे हमने देखा यहाँ पे इनका जो टेम्पल है इनके बारे में जो पढ़ा था हमने, तो वो सीरियसली एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, तो उनके बारे में देखा जाएगा। अब ये रथ यात्रा सिर्फ पुरी में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में भी निकाली जा रही है, जिसमें श्रद्धालु भक्ति भाव से झूम रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा का 147वां संस्करण गुजरात के अहमदाबाद में भी आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ रथ यात्रा के अवसर पर मंगला आरती में शामिल होने के लिए गुजरात के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में रथ यात्रा शुरू होने से पहले अनुष्ठान किए गए। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में हिस्सा लेने जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और अनुष्ठान में शामिल हुए। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी यात्रा में शामिल हुए और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ये रथ यात्रा शुरू की।